हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा अनंत है, वही जीवन का मार्ग, वही सोता है, वही परमेश्वर है जो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, हताश है, निराश है, उदास है, बेचैनी में, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बोलना है, किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर से बोलना है, जीवते परमेश्वर से बोलना है। वह जिंदा परमेश्वर है, वह हमारे आंसू को पोछेगा, हमारी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को, बीमारियों को जीव का त्यूग करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, 100% हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को पूरे विश्वास के साथ बोलना है परमेश्वर से, हम सभी को विश्वास करना है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्रियजन, विश्वास के साथ हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह के अंदर मनुष्य समुद्र के लहरों के समान होता है, क्योंकि जितनी तेजी से वह उछलती होती है, तेजी से वह चली जाती है, उसी प्रकार से संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय वह संदेह ही करता रहता है। वह यही सोचता रहता है कि परमेश्वर से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें ऐसा संदेह नहीं करना है। हमें पूर्ण रीति से, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जुलाव है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को, तेरे दुखों को मैंने अपने ऊपर उठा लिया हूँ, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के कारण हम सभी को आजादी मिली है, हम सभी को पापों की क्षमा मिली है, हम सभी के जो पाप थे, जो बीमारी के बंधन थे, वे टूट चुके हैं यीशु मसीह के कारण। मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार से वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार से वह अपने वचन के द्वारा हम सभी को भी जिलाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, जब संकट में है तो परमेश्वर को पुकारिए। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजन, टूट चुके हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। आपके जीवन में जो शैतान की ओर से बंधन है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से बंधन है, जो हर कदरा के बंधन है, काला जादू के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाएंगे, वे जल जाएंगे, वे राख हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह से बोलना है। वो असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, जो चाहोगे वह तुम्हारे लिए होने वाला है, यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, पूरे विश्वास के साथ सुनना है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, यीशु मसीह में है, ठीक है? वही एक जीवन का रास्ता है, जीवन का मार्ग है, जिस पर हम विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग पहुँच सकते हैं, ठीक है? चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें। आमीन इसलिए बोलते हैं ताकि हमारी जो प्रार्थना है वह सुनी जाए, वह पूरी हो जाए और सर्वशक्तिमान पिता के पास पहुंच जाए। प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करते हैं, उंगली मत चलाइए स्क्रीन पे और फोन को एक साइड में रख दीजिए, प्रार्थना को आँख बंद करके सुनिए। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान हैं, मेरे स्वामी, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता। मेरे पिता, आपका तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते, मेरे स्वामी, मेरे पिता, हम प्रार्थना करते पिता यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता
हम सभी को मेरे स्वामी जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे परमेश्वर पिता। इसके लिए पिता यीशु पापा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते हैं, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगानुग उड़ता रहता है मेरे पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन दिया, जर मिराज का जो कभी नाश नहीं होता पिता। इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पापा आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, मैंने तुझी पर चित्त लगाया है, तू मेरा ही है। मेरे पिता आपने कहा मैंने तुझे संसार से चुन लिया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियजनों हम सभी को पिता को पुकारना, पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को पुकारना, आपके जीवन में परमेश्वर आएगा हमारा। मेरे पिता हम प्रार्थना करते पिता, जो मसीह हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े, जो आखिरी सांस ले रहे हैं मेरे परमेश्वर, मौत के मुंह में जकड़े हैं पिता, ये सुबह बजने कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिपते हैं, इस मसीह आपके नाम से ये चंगे हो जाए। आजाद हो जाओ बोल क्रामीन, आजाद हो जाओ बोल क्रामीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे स्वामी आप पवित्र है। मेरे पिता का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता यीशु मसीह आपने कहा मेरे पिता इन वचन के द्वारा आपके नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये मसीह भवन चंगे हो जाए। जो ऑनलाइन पिता इस प्राणों को सुन रहे यीशु मसीह आपके नाम से पिता ये मसीह भवन आजाद हो जाए। जो हमारे मसीह भवन बीमार हैं पिता, जो खाट पर पड़े हैं, जो बेड पर पड़े हैं पिता, ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया। मेरे पिता आप पवित्र हैं मेरे स्वामी। जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे पिता हम मानव जाति हैं पिता, हम मनुष्य निर्बल हैं, कमजोर हैं पिता, गुनाहों में पापों में गिर सकते हैं मेरे पिता, आप माफ करें पिता। आपने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी मैं हमने ऊन की नाई श्वेत कर दूंगा, उन्हें उजला कर दूंगा मेरे पिता। आपने कहा मेरे स्वामी इन मसीह भाइयों के हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को यीशु पापा आप क्षमा करें पिता। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे स्वामी हम सभी के अपराधों को मिटा दे, गुनाहों को ढाप दे, पापों को क्षमा करने ले परमेश्वर पिता। सिर्फ आपके पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। हे परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, अपने लहू का छिड़काव करके हम सभी के अपराधों को, पापों को दूर कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे पिता। प्रार्थना करते यीशु पापा पूरे विश्वास के साथ पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने मोबाइल पे सुन रहे मेरे पिता प्रभु, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने वाले नहीं हैं मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता, 1000 रुपए पर अन्य जातियों से उधार ले रहे हैं पिता, ये उधर उधर उधार ना ले नहीं पाए, अन्य जातियों से सहायता ना ले नहीं पाए मेरे पिता, मेरे पिता ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे स्वामी आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए रजा, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता, की गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करे पिता, इनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे स्वामी, इनके हाथ देने वाले होने पाए यीशु मसीह के नाम से, इनके हाथ देने वाले हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। पवित्र मेरे पिता प्रार्थना करते जिन घरों में दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्माओं के बंधन है, गंदी बदुरी चालों के बंधन है, हर एक पिता शैतान की ओर के बंधन है यीशु मसीह के नाम से। जिन भाई बहनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, हर एक कराधरा के बंधन है, हर एक गंदी आत्माओं के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बदुरी चालों के बंधन है यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूट जाए, वे टूट जाए, वे जल जाए, राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। मेरे पिता आपका वचन कहता है यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं मेरे पिता, उनकी औकात नहीं मेरे पापा कि आपके सामने खड़े रह सके, टिक सके मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है सैतान दुष्ट आत्माएं कांपती थरथराती और विश्वास करती है कि यीशु ही परमेश्वर है। मेरे पिता आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता।
हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, गंदे सपने आते, ख्याल आता है, विचार आता है, पर वो इन्हें सुख की नींद नहीं आती है, इनके जीवन में पिता शांति नहीं, पिता वो शांति आने पाए, वो आजादी आने पाए, वो बदलाव आने पाए। मेरे पिता आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। पिता मुझे आशा विश्वास है, यीशु पापा आपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटे से विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।